हमारे वाले वीडियो की सीटी पूरी रात ऐसे सीटी चलाएंगे कि मतलब उस स्क्रैचेस आ जाएंगे सीटी पे। चोरी हो गई दादाजी, इज्जत चली गई हमारी, चोरी हो गई दादाजी, चोरी हो गई। ये लौंडा है ना आपका, एक नंबर का ठरकुल्ला। रसगुल्ला सुना था, ठरकुल्ला। ठरक से दो लेवल ऊपर, ठरक ठरकी ठरकुल्ला। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरे स्टारर इस कॉमेडी ड्रामा का डायरेक्शन किया है राज शांडिल्य ने, जिन्होंने इससे पहले ड्रीम गर्ल और ड्रीम गर्ल 2 बनाई है। प्रमोशन के दौरान मेकर्स ने कहा था कि इस फिल्म के साथ वो 90s के कॉमेडी फ्लेवर को वापस लाएंगे। हाउएवर, मेकर्स अपने वादे में कितने सक्सेसफुल रहे हैं और कितने नहीं, आगे वीडियो में जानते हैं। ऑल्सो आई विल शेयर ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द फिल्म सो दैट यू योरसेल्फ कैन डिसाइड वेदर टू वॉच दिस फिल्म इन थिएटर्स और नॉट। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो की। द फिल्म इज सेट इन 1997 का ऋषिकेश, जहां हमारी मुलाकात इन सभी क्वर्की कैरेक्टर्स से होती है। शहर का पॉपुलर मेहंदी आर्टिस्ट विकी, जिससे प्यार होता है विद्या से, जो कि बाय प्रोफेशन डॉक्टर है। दोनों पड़ोसी हैं, फैमिली स्टेटस में थोड़ा फर्क है, इसलिए शादी में थोड़ा ड्रामा भी होता है। लड़की की माँ के रोल में हम मिलते हैं अर्चना पूरन सिंह से, जो दिन रात पान खाती रहती हैं और उनके पति बने राकेश बेदी उन्हें ताने मारते रहते हैं। एंड ऑल दिस इज टू मेक अस लाफ। खैर, विक्की और विद्या की शादी होती है, दोनों हनीमून मनाने गोवा जाते हैं। वहां अपने इंटीमेट मोमेंट्स को वीडियो रिकॉर्ड करते हैं सो दैट शादी के कई सालों के बाद भी जब वो उन मोमेंट्स को देखें तो उनका प्यार बना रहे। लेकिन घर में चोरी हो जाती है और साथ ही चोरी हो जाती है वो सीडी जिसमें था विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। इसके बाद पूरी फिल्म इसी सीडी की खोज में गुजरती है और इस खोज में हमें हंसाने के लिए राजकुमार राव, तृप्ति, अर्चना पूरन सिंह, राकेश बेदी के अलावा टीकू तलसानिया, मल्लिका शरावत, विजय राज, अश्विनी कासलेकर, मुकेश तिवारी भी आते हैं, एडिंग शहनाज गिल का डांस नंबर। और हाँ, एक सेगमेंट में स्त्री का स्पूफ वर्जन भी देखने को मिलेगा। स्त्री कहां से कहानी में आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, डोंट इवन ट्राई टू आस्क दैट। हाउएवर, इसके डायलॉग्स और कैरेक्टर्स इतने आउटडेटेड, इतने घिसे पिटे हैं कि आप चाहकर भी इन एक्टर्स का स्क्रीन पर होना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये ऐसी अनोखी फिल्म है जो एक साथ प्रोग्रेसिव होने के साथ साथ घनघोर रिग्रेसिव भी है। इट्स गुड टू सी आवर मेन लीड एक्टर एज मेहंदी आर्टिस्ट एंड ओनिंग इट लाइक अ प्रो। लेकिन जहां कॉमेडी की बात आती है तो किसी के मोटापे पर जोक है, किसी के दुबले होने पर, किसी की गरीबी पर, किसी के रंग पर, किसी के बैठने के ढंग पर। आई एम लिटरली वेटिंग फॉर द डे जब बॉलीवुड इस तरह की उठपटांग कॉमेडी से ऊपर उठ जाएगी। लिखने वालों ने तो लिख दिया, राजकुमार राव जैसे एक्टर इस तरह की कॉमेडी पर हामी कैसे भरते हैं पता नहीं। यदि आप सच में 90s को मिस करते हैं, वॉच शरद कटारिया दम लगा के हईशा विच हैड सब्सटेंस एंड ऑल्सो कुमार सानू की आवाज और एक्टिंग भी। विक्की विद्या क्लाइमेक्स तक जाते जाते खास मैसेज भी देने की कोशिश करती है। इट ट्राइज वेरी वेरी हार्ड टू बिकम अ सोशल सटायर बट feels. Everything is surface level. I mean, यूं ही नहीं कहा जाता है कि comedy is the most tough genre to tap. Vicky Vidya tries too hard to make you laugh, to give a nostalgic feel, also to take moralistic approach. लेकिन screenplay इतना vague है कि ये कुछ भी achieve नहीं कर पाती है. फिल्म एक sensitive topic उठाती है, लेकिन किसी भी angle से उससे justice नहीं कर पाती है. परफॉर्मेंसेस की बात करें तो स्त्री के बाद राजकुमार राव एक बार फिर विकी के रोल में आए हैं एंड ट्रस्ट मी देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द अप्रोच ऑफ बोथ द रोल्स। समवन ऑफ राजकुमार कैलिबर डिजर्व्ड बेटर आई फील। हम जानते हैं कि वो हमें हंसा सकते हैं, उनमें पोटेंशियल है, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट को मजबूत से मजबूत एक्टर भी नहीं उठा सकता। तृप्ति इज ओके इन द फिल्म। बैड न्यूज के बाद एक बार फिर उन्हें कॉमेडी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला but truly speaking she needs to work a lot on her comic timing and dialogue delivery. She is good in dramatic scenes but lacks conviction in comedy. Mallika Sharawat plays the role of a fun woman jo baar baar ghar se bhag jati hai and she really did a good job in whatever time she had been given to. Vijay Raj also tries too hard to hold the ground with his comic timing but the script let him down. I mean jab aapke paas aise star cast ho it is criminal to not use them to their full potential. To end with, I just want to say that this film held a promise to entertain the old school way, but ended up being a cringe fest with super mediocre screenplay and performances. It's outdated. It's bizarre ki makers ye film banane se pehle soch kya rahe the. And at the end, we are told Vicky Vidya will be back, yani ki sequel aa sakta hai. But I hope they don't.
खैर आपको ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें. बाय बाय.